Good morning, students. Today we will start exercise 11.2 of chapter 11, parameter and area. So, my exercise 11.2 ka first question hai. Find the area of each of the following parallelograms. Hame A, B, C, D, E mein parallelograms given hai. Hame kya karna hai unka area find karna hai. So, hamare paas first parallelogram given hai, jisme hame height given hai 4 cm. और बेस गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर. सो एरिया कैसे फाइंडेंगे? सबसे पहले हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम 4 सेंटीमीटर, बेस गिवन है पैरेललोग्राम का 7 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बेस इनटू हाइट. बेस का मल्टीप्लीकेशन हाइट से कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास? एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का. तो बेस कितना दे रखा है 7 और हाइट दे रखी है 4, दोनों को क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करना है. तो 7 × 4 कितना आया? 28. तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या फाइंड करा है? एरिया करा है. तो क्या यूनिट आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया हमारे पास? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. बी है, बी में अगेन हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसमें इस बार हमें हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर और बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर. क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, बेस हमें गिवन 5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करा बेस इनटू हाइट. बेस है 5 और हाइट है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सी, अगेन एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें इस बार हमें हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा. सो 2 × 5, 2.5 × 3.5 कितना आया? 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया? 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ डी, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हमें गिवन है 4.8 और बेस हमें गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे बेस इनटू हाइट. तो 5 × 4.8 कितना होता है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ई, इस पैरेललोग्राम में हमें हाइट क्या दे रखी है? 4.4 और बेस कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर. तो अगेन 4.4 को 2 से इनटू कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा बेस टू हाइट. तो 2 × 4.4 विच इज इक्वल्स टू 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारे पास क्या क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. इस बार हमें क्वेश्चन सेकंड में क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है किसका? ट्राइंगल का. सो फर्स्ट ट्राइंगल हमें गिवन है जिसमें हमें बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो 1/2 इंटू बेस कितना गिवन है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, हाइट 3. सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 जाए कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. और 2 3 जाए कितना होता है? 6. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर. बी है, बी में हमें जो ट्राइंगल गिवन है उसमें हमें बेस ऑफ द ट्राइंगल गिवन है 3.2 सेंटीमीटर और हाइट कितने गिवन है? 5. सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 3.2 × 5 × 1/2. सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सी है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है और ये है ट्राइंगल में हमें बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस कितना है? 3 और हाइट कितनी है? 4. सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. और 2 3 जाए कितना होता है? अगेन 6. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया हमारे पास? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट डी है, डी में हमें अगेन ट्राइंगल गिवन है उसमें हमें बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस कितना है? 3. हाइट कितनी है? 2. सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से तो क्या बचा? सिर्फ 3. तो 3 × 1 का कितना होता है? 3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. हमें एक टेबल गिवन है, उस टेबल में हमें बेस का कॉलम गिवन है, हाइट का कॉलम गिवन है एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का गिवन है. सो हमें क्या करना है? जो मिसिंग वैल्यूज है उन्हें फाइंड करना है. फर्स्ट ए रो में हमें बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स हमें हाइट फाइंड करनी है
और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अभी हम पढ़ के आए थे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो वहाँ से हम हाइट फाइंड कर लेंगे। गिवन क्या है, बेस गिवन था 20 सेंटीमीटर, हाइट हमको फाइंड करनी है और एरिया हमें गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया हमें गिवन है पैरेललोग्राम का 246 इक्वल्स टू बेस गिवन है 20 और हाइट हमें पता नहीं है, वो हमें पता करनी है। सो 246 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 से तो कितने टाइम्स आएगा, 12.3 टाइम्स। तो दैट मीन्स हमारी हाइट क्या आ गई, 12.3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12.3 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड भी है हमारे पास बेस मिसिंग है इस बार, और हमें हाइट दे रखी है और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। सो बेस फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट गिवन है, वहां से बेस फाइंड कर लेंगे हम। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 154.5, बेस हमें फाइंड करना था सेकंड केस में बी वाले में, और हाइट हमें गिवन थी 15। क्या करेंगे, 154.5 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। सो बेस कितना आ गया हमारे पास, 10.3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 10.3 सेंटीमीटर। नाउ इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है सी एंड डी, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। क्या करना है, सी पार्ट में बेस गिवन है हाइट, बेस मिसिंग है, हाइट गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो अगेन हम यहाँ से बेस फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट में रख के तो हमारा बेस आ जाएगा। नौ फोर्थ लास्ट डी पार्ट में गिवन है हाइट मिसिंग है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, सो हम यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। क्वेश्चन फोर्थ में भी हमें एक टेबल दे रखी है, इस बार हमें बेस हाइट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। सो क्या करना है, हमारे पास जो मिसिंग है उनको हमको फाइंड करना है। हमारे पास कॉलम है बेस हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो फर्स्ट केस में देखो, हमें बेस गिवन है 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन नहीं है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें गिवन है, वहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं हम। सो गिवन क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करनी है, बेस हमें ट्रायंगल का गिवन है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है दैट इज़ 87 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 87 एंड हमें बेस गिवन 15, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो वैल्यूज रख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास 87, हाफ इंटू बेस हमारे पास है 15, हाइट हमें फाइंड करनी है। नाउ सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 11.6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या हो गई हमारे पास, 11.6 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड रो में हमारे पास बेस मिसिंग है, हाइट गिवन है 31.4 mm एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 1256 mm स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। बी में हमें क्या गिवन था, हाइट ऑफ ट्रायंगल गिवन है एंड सेकेंड हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या फाइंड करना था, बेस फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास 1256 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हमको फाइंड करना है हाइट कितनी है, 31.4। नाउ बेस फाइंड करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1256 इंटू 2 डिवाइडेड 31.4, सॉल्व करा तो कितना आया बेस, 80 mm। नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन फोर्थ का जो सी पार्ट है, जिसमें हमें बेस गिवन है, हाइट मिसिंग है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, ये आप खुद से फाइंड करेंगे और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। कैसे सॉल्व करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल रखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस गिवन है वहाँ से हमारी हाइट फाइंड हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पी क्यू आर इज द पैरेललोग्राम, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। If SR is equals to 12 cm and QM is equals to 7.6 cm, find first the area of the parallelogram PQRS and second QN if PS is equals to 8 cm. क्या गिवन है, फिफ्थ ने हमें बोला है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है
फिगर 11.23 में, और क्यू एम हमको क्या दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है फ्रॉम क्यू टू एस आर, एंड क्यू एन इज द हाइट, और क्यू एन क्या है, हाइट है फ्रॉम क्यू टू पी एस। बोला है कि अगर एस आर इक्वल है 12 सेंटीमीटर के और क्यू एम इक्वल है 7.6 सेंटीमीटर के, तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंड सेकेंड में हमें बताना है क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू बतानी है, अगर पी एस की वैल्यू कितनी रखिए 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखेंगे, एस आर गिवन है 12 सेंटीमीटर, क्यू एम गिवन है 7.6 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हमारा एस आर, एस आर की वैल्यू हमें गिवन है, एस आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हाइट क्या है हमारे पास क्यू एम, हाइट हमारे पास क्यू एम, सो क्यू एम की हमारे पास वैल्यू है दैट इज 7.6, और एस आर की भी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में हमें गिवन है एस आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सो बेस इंटू हाइट से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लेंगे, तो 12 इंटू 7.6 दैट इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। सेकेंड में हमें फाइंड करना था क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू फाइंड करनी थी अगर हमें पी एस की वैल्यू दे रखी कितनी 8 सेंटीमीटर। सो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, अभी हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जस्ट फाइंड किया है दैट इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया 91.2, बेस क्या है हमारा पी एस और हाइट क्या है क्यू एन, पी एस हमें गिवन है क्वेश्चन में 8, हमें बोला है कि अगर पी एस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो क्यू एन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से क्यू एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 91.2 को हमने डिवाइड करा किससे 8 से, तो जब हम 91.2.28 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा क्यू एन की वैल्यू 11.4 सेंटीमीटर। तो सेकेंड में हमें क्यू एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11.4 सेंटीमीटर। नाउ सिक्स्थ है, डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन फिगर 11.24। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। क्या गिवन है हमें, हमें एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है और उसमें बोला है कि डी एल एंड बी एम जो है हमारी हाइट से ऑन द साइड्स ए बी एंड ए डी, कौन कौन सी, डी एल एंड बी एम हमारी हाइट से ऑन द साइड्स ए बी एंड ए डी। सो इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी की गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर और ए डी गिवन है 49 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, हमें लेंथ फाइंड करनी है बी एम और डी एल की। सो हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें ए बी गिवन है 35 सेंटीमीटर और ए डी भी गिवन है दैट इज 49 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 1470, बेस क्या है हमारे पास ए बी और हाइट क्या है बी एम, सो ए बी इंटू बी एम, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 इंटू बी एम, बी एम की जो हाइट है वो क्या है हमारे पास डी एल, सो ए बी हमें 35 और डी एल हमें फाइंड करनी है, 1470 को डिवाइड कर देंगे 35 से तो डी एल साइड आ जाएगी हमारे पास, तो डी एल कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। किसको डिवाइड करा हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दिया किससे, बेस से, सो 1470 को डिवाइड कर दिया हमने 35 से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगेन बेस इनटू हाइट, हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेंथ की, एक तो बी एम की और एक डी एल की, डी एल की हम फाइंड कर चुके कितनी आई 42 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट क्या होता है, अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 1470, नाउ बेस कितना गिवन है ए डी और हाइट क्या है बी एम, ए डी हमें गिवन है दैट इज 49 और बी एम की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 1470 को हमने डिवाइड करा 49 से तो कितना आया 30 सेंटीमीटर, तो जो सेकेंड लेंथ थी जो हमें फाइंड करनी थी बी एम की वो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेवेंथ, इन ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए, ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। क्वेश्चन सेवेंथ पे क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट
किस पे, ए पे। ए डी हमें परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर हमें ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 30 सेंटीमीटर, ए सी गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और सेकेंड हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए डी। गिवन क्या है हमें, ए बी गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर, और ए सी गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बी और सी में हमारा बेस क्या है, ए बी। ए बी क्या है हमारा बेस और हाइट क्या है हमारे पास, ए सी। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी। हाफ इंटू ए बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 5 गिवन है, और ए सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 12। सो सॉल्व करेंगे, 2 से 12 गया कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो 5 6 से कितना होता है 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ गया ट्रायंगल ए बी सी का कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगेन हमने कंसिडर करा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस बार बेस क्या है, ए डी, और हाइट क्या है, बी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अभी फाइंड करके आए, कितना आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट कितनी गिवन है, 30। हमें क्या फाइंड करना है, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें एरिया फाइंड करना था ट्रायंगल ए बी सी का, जो हमने फाइंड कर लिया कितना आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो 30 इक्वल्स टू इंटू ए डी इंटू हाइट की वैल्यू हमारे पास 13। नाउ 30 इंटू ये हाफ का जो 2 है डिवाइड का, वो वहाँ पर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 2 डिवाइड 13। नाउ ए डी की वैल्यूज आ जाएगी, 30 को इंटू करा 2 से तो कितना आता है 60, और 60 को डिवाइड करा 13 से तो कितना आएगा, 4.6 सेंटीमीटर। तो ए डी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4.6 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स with AB is equals to AC is equals to 7.5 centimeter and BC is equals to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. So find the area of triangle AB. What will the height from C to AB, that is CE? क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC एक हमारे पास isosceles ट्रायंगल है, जिसमें हमें AB is equals to AC गिवन है 7.5 centimeter. हम जानते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास दो साइड्स ए बी और इक्वल दे रखी है कितनी, 7.5 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है हमें ए डी से, ए डी की फ्रॉम ए टू बी इज 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल ए बी सी का, एंड वॉट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, दैट इज सी। और हमें हाइट फाइंड करनी है CE की। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है AB is equals to AC equals to 7.5 सेंटीमीटर, BC गिवन है 9 सेंटीमीटर, और AD गिवन है 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, BC, और हाइट कितनी है, AD। BC की वैल्यू हमें गिवन है 9, AD की गिवन है 6। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी का 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम सेकंड क्या फाइंड करना था, सी ई की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है कितना, 27। ये 27 अभी हम फाइंड करके आए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस ए बी, और इस बार हाइट लिया हमने सी ई। तो ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 7.5, सी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 27 इंटू 2 डिवाइडेड 7.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 को 2 से इंटू करा 54, डिवाइड करा 7.5 से, तो सी ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे।